रंजन और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं अवधेश, स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे, लेकिन सत्याग्रह में आज सबसे पहले बात हम जिस खबर की करने वाले हैं वो दो बड़ी खबरें हैं। और पहली खबर है यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक की वायरल हुई चिट्ठी के बाद मचे सियासी बवाल की। और दूसरी खबर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक रिश्ते में बढ़ती जा रही कड़वाहट की। यूपी के मंत्री दिनेश खटीक की खटपट और सपा गठबंधन की बढ़ती टेंशन की ये दोनों खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर बिजनौर से, जहां आज एक पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा होते होते चल गया। बिजनौर के बैराज रोड इलाके पर आज एक रोडवेज की बेकाबू बस दनदनाते हुए पेट्रोल पंप में घुस गई। रोडवेज बस की टक्कर पेट्रोल पंप के एक फिलिंग पॉइंट से हो गई, जिसमें पूरी मशीन चकनाचूर हो गई। हालांकि राहत की और गनीमत की बात ये रही कि हादसे के बाद पेट्रोल पंप में आग नहीं लगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारी जान माल का नुकसान यहाँ पर हो सकता था। इस हादसे में पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी बुरी तरीके से घायल हो गया है, जबकि आसपास मौजूद लोगों को भी कुछ चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पेट्रोल लोग भरवा रहे थे, गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन अचानक से देखिए रोडवेज की बस आई और जो पिकअप वैन थी वो पूरी तरीके से पिस गई दो गाड़ियों के बीच में, और जो मशीन होती है वो टूटकर इन्हीं गाड़ियों के बीच दब गई। हालांकि गनीमत ये रही कि आग नहीं लगी, लेकिन एक व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी जो मिल रही है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक गाड़ी पेट्रोल भरवा रही थी, उसी दौरान रोडवेज की बस आती है, गाड़ी को टक्कर मारती है और जो पेट्रोल वाली मशीन है उसे भी तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। और अब बात कर लेते हैं अब यूपी सरकार के मंत्री। बिल्कुल, जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे वाली वायरल चिट्ठी की अब आपको पूरी खबर बताएंगे। दिनेश खटीक के इस्तीफे की वायरल चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया कि जल शक्ति विभाग के अफसर उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, वायरल चिट्ठी में कथित तौर पर दिनेश खटीक ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। एक मंत्री के ऐसे ही कई आरोपों वाली वायरल चिट्ठी की वजह से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई है। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की ये वही वायरल चिट्ठी है जिसके सामने आने के बाद से लगातार ये चर्चा तेज है कि दिनेश खटीक ने यूपी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से लिखी गई वायरल चिट्ठी में दिनेश खटीक ने आरोप लगाए हैं जल शक्ति विभाग में उनके आदेशों का पालन नहीं होता है और नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, साथ ही विभाग के अफसर बैठकों की जानकारी भी उन्हें नहीं देते। इसके अलावा दिनेश खटीक का आरोप है कि अफसरों की शिकायत करने पर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, साथ ही दलित होने की वजह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है और विभागों में तबादलों के नाम पर पैसों की उगाही चल रही है। वायरल चिट्ठी में दिनेश खटीक ने इन्हीं तमाम आरोपों से हाथ धोकर इस्तीफा देने की बात लिखी है। वहीं यूपी सरकार से इस्तीफे की खबर के बाद काफी देर तक दिनेश खटीक का फोन नंबर बंद रहा, लेकिन आज जब दिल्ली रवाना होने से पहले दिनेश शर्मा से उनके इस्तीफे की खबर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। हालांकि दिनेश खटीक ने भले ही अपने इस्तीफे की खबर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने आज, जो कि स्वयं दलित समाज से, पिछड़े समाज से आते हैं, शोषित समाज से हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये इल्जाम लगाते हुए कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन पे इंतहा सीमा पहुंच गया है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा, अफसरशाही बेलगाम हो गई है, सरकार पूरी तरह से फेल है, दलितों की, पिछड़ों की, गरीब की, वंचितों की, जिसकी जायज जो आवाज है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिलहाल सरकार से नाराजगी की खबरों के बीच दिनेश खटीक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए, जिसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों ने अब विपक्ष के और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का मौका दे दिया है।
आज इस मामले पर सपा और बसपा दोनों ने ट्वीट करके यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मायावती ने अपने ट्वीट में सरकार के भीतर मंत्रियों के साथ भेदभाव और जातिवाद का आरोप मढ़ दिया। वहीं अखिलेश यादव ने भी दिनेश कठिक के इस्तीफे की चिट्ठी वायरल होने के बाद सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए, विपक्ष को ये मौका मिल गया है, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, ट्वीट करके जातिवाद का मसला और मंत्री की स्वतंत्रता का मसला उठाया जा रहा है। और ये बात कही है मायावती ने कि दलितों का तिरस्कार सरकार कर रही है, सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है और दिनेश खटीक का जो एक पत्र है वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब इसके बाद विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है। तो दिनेश खटीक की नाराजगी पर विपक्ष ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया और सीधे रुख करते हैं मेरठ का सनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, जिस तरीके से पूरी तस्वीरें सामने आई, चिट्ठियों का दौर चला, विपक्ष आरोप भी मढ़ रहा है, लेकिन असल में स्थिति क्या है वो स्पष्ट हो पा रही है क्या कि मंत्री जी पद पर हैं या नहीं हैं, जो चीज़ें वायरल हो रही हैं वो सत्य हैं या नहीं हैं, कुछ स्पष्ट हो रहा है? हाँ देखिए, तस्वीर अभी तक साफ होती नजर नहीं आ रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक से किसी तरीके से बात हो जाए। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि गंगानगर में जो राज्य मंत्री दिनेश खटीक है उनका ये आवास है और यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो लगी रहती थी, गाड़ियों का हुजूम यहाँ पर लगा रहता था, लोगों की आवाजाही यहाँ पर रहती थी, लेकिन आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल यही उठ रहा है कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक आखिर है कहाँ? क्या वो दिल्ली है? क्या दिल्ली से लौट रहे हैं? क्या गाजियाबाद है? क्या वो मीडिया से मुखातिब होंगे? जिस तरह की चर्चाएं चल रही है और जिस तरह के जो पत्र है वो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने तमाम तरह के जो गंभीर आरोप है वो लगाए, गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित ये चिट्ठी भेजी और उसमें ये चिट्ठी तेजी से वायरल हो रही है। देखिए, भले ही बारिश के बाद जो तापमान है वो कहीं ना कहीं मेरठ का गिरा हो, लेकिन मेरठ से एक ऐसा सियासी तापमान उठा है जिसकी तपिश दिल्ली और लखनऊ तक लगातार कहीं ना कहीं तपिश दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपनी उपेक्षा से लगातार मंत्री दिनेश खटीक नाराज चल रहे थे, लेकिन शायद उनकी नाराजगी को नजरअंदाज किया गया। एक राज्य मंत्री होने के बावजूद जिस तरीके का सम्मान उनको चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला और ये तल्खी लगातार बढ़ते चली गई और चर्चाओं का दौर शुरू हुआ कि मंत्री दिनेश खटीक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो साफ साफ बोलने से इनकार करते रहे। सुबह हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने सीधा कहा कि ये कोई विषय नहीं है, अगर ये कोई विषय नहीं है तो फिर वो कौन सा विषय है? वो ये विषय है कि दिनेश खटीक नाराज है, उनके चेहरे पर नाराज की, उनके बयानों में नाराज की, हर चीज में उनकी नाराज की थी। और वही विषय समझना पड़ेगा कि आखिर वो ये कोशिश बात की जा रही है। लेकिन सर, सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि दिनेश खटीक की नाराजगी एकदम से सामने आई है या पहले कोई बातचीत, क्या मुख्यमंत्री से नहीं हुई थी कोई बातचीत, या फिर नाराजगी पहले सामने नहीं आई थी, अंदरूनी बातचीत की गई हो? देखिए, थोड़ा सा ना ये चीज समझने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ आपको, जून की बात कर लेता हूँ कि जून में एक मामला हुआ था, यहाँ पर एक कोमल था, टेंट कारोबारी, और उसने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, उससे पैसे लूट लिए, जाति सूचक शब्द कहे, और वो लगातार गंगानगर थाने में जाकर दो सिपाही काकाश और विकास, इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटकता रहा। और जब वो दिनेश खटीक मंत्री के दर पर पहुंचा, उन्होंने फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, कोई तवज्जो नहीं दी, मजबूरी में रात के वक्त दिनेश खटीक को गंगानगर थाने में दो घंटे बैठना पड़ा। अफसरों का ऐसा रवैया था कि उसको लेकर व्यथित हो गए, अपनी एस्कॉर्ट वापस लौटा दी, उसके बाद सीधे अपने आवास पर आ गए, किसी से कोई बातचीत नहीं की और अपना मोबाइल फोन ऑफ कर लिया। आप खुद सोचिए, आपको लगता है कि एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए मंत्री को थाने जाना पड़ेगा? एक रसूख होता है मंत्री का, अपना एक उनका कद होता है, उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, मंत्री को तमाम लोग वोट देते हैं, सिफारिश करते हैं। दूसरी इस बात में तरक्की और कैसे बढ़ी, ये जो बात आप बता रहे हैं ये उस कहानी को भी बयां करती है तो फिर कि उत्तर प्रदेश में तमाम अंदर खाने से विधायक दबी जुबान कहते पाए जाते हैं कि हमारी हैसियत तो एक बाइक छुड़वाने की भी नहीं रह गई, मुकदमा दर्ज करवाने की नहीं रह गई, और शायद यही मामला मेरठ में बड़ा हो गया। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव से बढ़ती जा रही कड़वाहट के बीच अब सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बदले बदले से नजर आने लगे। बिल्कुल, जो ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जी भर के कोस रहे थे, वही राजभर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे।
आज एबीपी गंगा से हुई बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में खूब कसीदे गड़े। ओम प्रकाश राजभर का यह बदला रुख उस वक्त सामने आया जब अखिलेश यादव से उनका गठबंधन लगभग टूटने के कगार पर आ चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर गठबंधन टूटने से पहले नई संभावनाएं तलाशने में जुट गए, क्योंकि आज जिस तरीके से राजभर सीएम योगी की तारीफ की उससे यही संकेत मिल रहे हैं। बातचीत सुनवाते हैं आप। सामने जाके लोग जो ठंडे हो जाते हैं, योगी जी मेहनती हैं, कर्मठी हैं, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है, और योगी जी ईमानदार भी हैं और मेहनत तो करते ही हैं। जितना वो मेहनत करते हैं उतना हमको तो नहीं लगता है कि वो चीज़ें जो देखने को मिली मेहनत का, जो समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पर लगभग 90% अंकुश लगा है। ये मैंने आजमगढ़ के चुनाव में लोगों से सुनते कहते हुए मिला कि मैंने जब वोट मांगने गया बाजार में तो बैठाया, लोगों ने बड़ी सेवा किया, पानी पिलाया, चाय पिलाया और कहा कि नेताजी आप बताओ इस सरकार में तो हम लोग रंगदारी टैक्स से बरी हैं, गुंडागर्दी हम लोगों के साथ नहीं हो रही है। यही बात हमको झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर में मिली, यही बात एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज मिली, यही सहारनपुर, बागपत, शामली में मिली, यही बात हमको हर जगह मिली। तो कहीं ना कहीं ये बात लोग कह रहे हैं तो सच्चाई है, तब लोग कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की एक शैली है, यूपी की सियासत में देश के लोग जानते हैं, दो टुक कहते हैं, जो दिल में होता है कहते हैं, जो सच होगा वही कहते हैं, बहुत घुमा फिरा के नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, आपके साथी शिवपाल यादव भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि ईमानदार हैं और कर्मठ हैं, इसमें कोई मुकाबला नहीं। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है, मैं भी तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं है, मेहनत में, काम में कोई कमी नहीं है, और इसी नाते उनकी चर्चा शिवपाल जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, इसकी चर्चा लोग करते हैं। कुछ उनमें भी बदलाव है, कुछ आप में भी बदलाव? हमारे में कौन बदलाव है, और योगी जी में हम 3 बार मिले हैं अपने विधायकों के काम को लेकर के और क्षेत्र की कुछ समस्याएं तो उसको लेके, तो वहाँ जो चीज़ें मिली और जो उनके कैबिनेट में जो बयान आ रहे हैं कि भाई विपक्ष के भी विधायकों की बात मंत्रीगण सुने और गंभीरता से उसको लें, तो ये तो पहली बार है, पिछले 5 साल में ये चीज़ नहीं था, इस बार ऐसा हो रहा है तो स्वाभाविक बदलाव है। और इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने फिर से वही मशीन चला दी जिससे अखिलेश यादव राजभर से नाराज चल रहे। आज ओपी राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर एसी में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगाया और लगे हाथ। राजभर ने आज अखिलेश यादव से फिर से गठबंधन तोड़ने की मांग कर दी। विधानसभा चुनाव से पहले हर सवाल का गोलमोल जवाब देने वाले ओम प्रकाश राजभर अब गठबंधन की हार के थपेड़े खा खा कर एकदम स्पष्टवादी हो चुके हैं, इसीलिए एक बार फिर कह दिया कि एयर कंडीशन की वजह से अखिलेश यादव उनके साथ गठबंधन नहीं चला सकते तो उन्हें तलाक दे दें। तो गेस पेपर पढ़ के डिक्टेशन मिलेगा, पास हो सकते हैं, अब दे दें अखिलेश जी तलाक तो फिर उसके बाद हम मायावती जी से मिलेंगे, बतियाएंगे कि भाई अब इधर गोल बांधा जाए। ये तो अब लगभग तय है कि बिना बुलाए ओपी राजभर अखिलेश यादव के पास जाएंगे नहीं, और अखिलेश के तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो राजभर को बुलाएंगे नहीं। यही वजह है कि अखिलेश यादव से राजनीतिक तलाक मिले बिना ही ओपी राजभर ने नई जगह बात चलानी शुरू कर दी है। अब दे दें अखिलेश जी तलाक तो फिर उसके बाद हम मायावती जी से मिलेंगे, बतियाएंगे कि भाई अब इधर गोल बांधा जाए। अच्छा, मायावती जी की तरफ जाने का मामला मन बनाए हुए हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन 2 बार गठबंधन की गर्माहट से जुबान जला चुके ओपी राजभर अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, इसीलिए सरकार में बड़े भैया संजय निषाद के ऑफर पर राजभर ने इशारों में कह दिया कि उन्हें भाजपा के साथ जाना होगा तो सीधे भाजपा से संपर्क करेंगे। संजय निषाद कह रहे हैं कि आप भाजपा के साथ आ जाइए, गठबंधन में आ जाइए, यहाँ बड़ा सब कुछ ठीक है, सबको समायोजित कर लिया जाएगा। देखिए भाजपा के मालिक वो नहीं है, अपनी पार्टी के मालिक, और हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, समाज की लड़ाई लड़ सभी लोग रहे हैं। फिलहाल ओपी राजभर के तेवरों से इस गठबंधन का भविष्य साफ दिख रहा है और अखिलेश यादव ने भी मानो राजभर से मुंह फेर लिया है।
लेकिन ओपी राजभर ने खुलकर मायावती से गठबंधन की इच्छा और मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करके अखिलेश को संदेश दे दिया कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते खुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं इस वक्त की टॉप 7 खबर। तो इस वक्त की जो 7 खबरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि टॉप 7 खबरें क्या हैं और देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। शिवसेना की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, 1 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, नई बेंच का हो सकता है गठन। लगातार तीसरे दिन संसद में महंगाई पर संग्राम, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने नारेबाजी की, राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री मोदी सामने आकर जवाब दें। संसद में हंगामे को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा संसद में गतिरोध के सरगना है राहुल, सदन में 40% से कम उपस्थिति, पूछा सवाल राहुल ने कितने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने महंगाई के खिलाफ दूध दही गुड़ और पोहे के साथ विरोध जताया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सड़कों पर उतरे सीपीआई के कार्यकर्ता, अनाज पर जीएसटी लागू होने के विरोध में थाली पीटकर प्रदर्शन किया। रांची में भी हरियाणा जैसी वारदात, ट्रैकिंग के दौरान जानवरों से भरी गाड़ी ने महिला सब इंस्पेक्टर को रौंदा, मौके पर एक की मौत। महिला सब इंस्पेक्टर के भाई ने उठाया सवाल, पूछा मेरी बहन को अकेले क्यों भेजा गया, फोर्स क्यों नहीं भेजी, स्पीड ट्रायल हो, अपराधी को सजा मिले। इस बीच पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद एक्शन जारी है। इस बीच कई विवादों के बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद का बयान भी सामने आया है। जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि पीएम और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है, जहां विभाग में कोई भी अनियमितता होती है तो कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र प्रसाद ने ये भी कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय नेता से कभी भी मिल सकते हैं। तो लगातार जितेंद्र प्रसाद और उनके मंत्रालय को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो गया, इन सब के बीच उनका भी बयान सामने आ गया है, क्या उन्होंने कहा सुने। ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी, एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी, और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा अगर गड़बड़ियाँ हैं तो, ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं होता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें, और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं। आजम खान को जेल से रिहाई तो मिल गई, लेकिन उनकी कठिनाइयां और दिक्कतें खत्म नहीं हो रही। एक तरफ उनके परिवार पर ईडी की तलवार लटकी है, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक केस झेल रहे आजम खान से जौहर रिसर्च सेंटर भी वापस लेने की तैयारी हो रही है। आजम खान पर एसआईटी पंजा, कसने वाला है सरकार का शिकंजा। जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण और शोध संस्थान लीज पर लिया था। इसी मामले में अब योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान ने कैबिनेट से फैसला कराकर इस जमीन को मात्र 100 रुपए वार्षिक की दर से 33 साल के लिए लीज पर लिया था। लीज लेते समय कहा गया था कि विश्वविद्यालय में उर्दू, अरबी, फारसी में उच्च शिक्षा की व्यवस्था और शोध के लिए लिया गया है, लेकिन बाद में इस भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल खुलवा दी गई। आजम ने सरकारी शोध संस्थान को अपने उस ट्रस्ट को दिलवा दिया जिसके वो खुद आजीवन अध्यक्ष हैं। यही ट्रस्ट जौहर विश्वविद्यालय का संचालन करता है। अनियमितताओं को देखते हुए योगी सरकार ने साल 2018 में इसकी एसआईटी जांच करवाई, जिसकी जांच रिपोर्ट 31 जनवरी को सौंपी गई। इसी जांच में खुलासे के बाद अब इसमें कार्रवाई होने वाली है। कार्रवाई में आजम से लीज निरस्त करके सरकारी जमीन वापस ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा के ट्विन टावर को जमींदोज करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ इंतजार है 21 अगस्त का, जब लगभग 4 टन विस्फोटक से ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
नोएडा के इस ट्विन टावर को जमींदोज करने की तैयारी हो चुकी है। दावा है कि सिर्फ 10 सेकंड में इस टावर को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारी है। इस टावर को जमींदोज करने का जिम्मा लेने वाली अफ्रीकन कंपनी एडिफिस ने अधिकारियों के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी और 21 अगस्त को लगभग 3,500 किलो बारूद से इस ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए अंतिम दौर में तैयारी है। 11 प्राइमरी 7 सेकेंडरी तलों पर पिलर में वी शेप के छेद किए गए। पूरी बिल्डिंग में लगभग 10,000 से ज्यादा छेद किए गए। सभी पिलर पर जियो फाइबर टेक्सटाइल लगाया गया। हर पिलर पर ये फाइबर टेक्सटाइल 4 बार लपेटा गया। इस फाइबर टेक्सटाइल से मलबा ज्यादा दूर नहीं बिखरेगा। बचे हुए 9 पिलर में अगले 3 दिन में टेक्सटाइल लगेगा। सभी पिलर को लोहे की जाली से घेरा जा चुका है। अभी 2 से 20 अगस्त तक होल में विस्फोटक भरा जाएगा। 21 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट होगा। 150 मीटर की दूरी से रिमोट का बटन दबाकर ब्लास्ट किया जाएगा। विस्फोट के दौरान 30 मिनट तक ट्रैफिक रोका जाएगा। दावा है कि ट्विन टावर को गिराने में करीब 3,500 किलो विस्फोटक लगेगा, जिसमें सिर्फ 10 सेकंड में टावर जमींदोज हो जाएगा। जो इसको इस पूरी बिल्डिंग को बाकायदा सिल्वर उससे ढका गया है। साथ ही इतना ही नहीं, जो इसके पिलर हैं उनमें ड्रिल मशीन से लगातार विस्फोटक सामग्री लगाने के लिए ड्रिल करने का छेद करने काम जारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ट्विन टावर तोड़ने की तारीख 22 मई तय की थी, लेकिन तैयारियां पूरी न होने पर अब 28 अगस्त तारीख तय हुई है। हालांकि ध्वस्तीकरण की तैयारियों को लेकर अब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी 21 अगस्त तारीख फाइनल कर दी गई। हालांकि सुपरटेक के बाकी टावर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी तैयारी है। परिवार है जो आसपास बिल्डिंग में रहते हैं, जिनको जब जो तारीख निर्धारित करी गई ध्वस्तीकरण के उससे 3 घंटे पहले बाहर निकलना होगा। वहीं आपको बता दें कि करीब 21 अगस्त को इस भ्रष्टाचार इमारत के ध्वस्तीकरण का तारीख तय करी गई है और करीब 2:30 बजे यह इमारत जमींदोज कर दी जाएगी। नोएडा संकेत कौशिक, एबीपी गंगा। और सत्याग्रह में आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहां पैसों के लिए एक शख्स को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, बेरहमों ने जिंदा जलाकर जान ली। पैसे मांगने पर सबसे खौफनाक सजा, उधार मांगा तो जिंदा जला डाला। तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये तस्वीरें हर इंसान को विचलित कर सकती हैं, लेकिन उस पापी के हाथ नहीं कांपे जिसने इस ठेकेदार को जिंदा जला दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात कानपुर की, जहां बिल्डर से अपने 18 लाख रुपए मांगने पहुंचे इस ठेकेदार को जिंदा जला दिया, जिसकी इलाज के वक्त मौत हो चुकी है। अंकल बुलाया था शिवरात ने आपको अंदर? हाँ, शिवरात ने बुलाया था। और क्यों, कौन कौन था? तिवारी जी थे। और तिवारी जी थे, हम अंदर गए, देखते अंदर गए, गेट खोला, बाद ठेके अंदर भाग गया तिवारी, वही थे अंदर भाग गए, हम बाहर बाहर ही रह गए, जला दिया। हाँ, बाहर भाग गए, जेल डाल दिया, तो बाद ठेके भाग गया। 59 साल के राजेंद्र पाल का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने 18 लाख रुपए के लिए बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव के बुलाने पर घर पहुंच गए, लेकिन वहां मौजूद तिवारी नाम के शख्स ने राजेंद्र पाल को आग के हवाले कर दिया। 80% जल चुके राजेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ने से पहले गुनहगारों का राज खोल दिया, जिन पर कार्रवाई शुरू हो गई। तो पता चला कि जो इनके ये बिल्डर और ये कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनके जो बिल्डर हैं श्रीवास्तव करके हैं, और इनके साथ इनका लेन देन का जो भी विवाद रहा था, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट भी अभी कर लिया और तहरीर भी हमें जो है प्राप्त हो गई, मुकदमा लिखाया जा रहा है। और सत्याग्रह में आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहां पैसों के लिए एक शख्स को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, बेरहमों ने जिंदा जलाकर जान ली। पैसे मांगने पर सबसे खौफनाक सजा, उधार मांगा तो जिंदा जला डाला। तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये तस्वीरें हर इंसान को विचलित कर सकती हैं, लेकिन उस पापी के हाथ नहीं कांपे जिसने इस ठेकेदार को जिंदा जला दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात कानपुर की, जहां बिल्डर से अपने 18 लाख रुपए मांगने पहुंचे इस ठेकेदार को जिंदा जला दिया, जिसकी इलाज के वक्त मौत हो चुकी है। अंकल बुलाया था शिवरात ने आपको अंदर? हाँ, शिवरात ने बुलाया था। और क्यों, कौन कौन था?
तिवारी जी थे और तिवारी जी थे, हम अंदर गए, देखते अंदर गए, गेट खोला, बाजू फेंके तो अंदर भाग गया तिवारी, वही थे अंदर भाग गए, हम बाहर बाहर ही रह गए, जला दिया। हाँ बाहर भाग गए, जेल डाल दिया, तो बाजू फेंक के भाग गया। 59 साल के राजेंद्र पाल का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने 18 लाख रुपए के लिए बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव के बुलाने पर घर पहुंच गए, लेकिन वहां मौजूद तिवारी नाम के शख्स ने राजेंद्र पाल को आग के हवाले कर दिया। 80% जल चुके राजेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ने से पहले गुनहगारों का राज खोल दिया, जिन पर कार्रवाई शुरू हो गई। तो पता चला कि जो इनके ये बिल्डर और ये कॉन्ट्रैक्टर थे जिनकी मृत्यु हो गई, जो बिल्डर है श्रीवास्तव करके और इनके साथ इनका लेन देन का जो भी विवाद रहा था, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट भी अभी कर लिया है और तहरीर भी हमें जो है प्राप्त होगी, मुकदमा लिखाया जाएगा। माँ ये शब्द अपने आप में पूरी दुनिया समेटे हुए है। कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो हुआ वो सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, रूह उत्कांप उठेगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे और माँ की ममता पर से भी भरोसा उठ जाएगा। जिसने भी इस मासूम को देखा उसका दिल सहम गया, जिसने भी इस मासूम का दर्द जाना उसका कलेजा कांप उठा। 5 साल की इस मासूम को गर्म चाकू से 17 जगहों पर दागा गया है। हम इसके शरीर पर लगे चोट को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके दिल और दिमाग पर क्या असर हुआ होगा इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बच्चे की गुनहगार कोई और नहीं, इसकी माँ ही है। बेटी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने कई बार इस तरह से बच्ची पर अत्याचार किए। हर बार उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार जब उसने हद पार कर दी तब उसने पुलिस में शिकायत कर दी। 19/7/2022 को थाना गेटा पर राहुल पासवान नामक व्यक्ति ने सूचना दिया कि उसकी पत्नी कंचन ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री को स्कूल न जाने की वजह से गर्म चिपके से 5 जगह जला दिया, जिस पर उनके द्वारा दी गई तहरीर पर थाना गेटा पर आरोप पंजीकृत किया गया तथा पत्नी को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई। माँ ने बच्ची से ऐसी हैवानियत की कि उसके आगे उसने बच्ची की चीख भी सुनाई नहीं दी। अब बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई है तो पुलिस माँ पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, अगर वहाँ बच्चा पढ़ाई ना करके कुछ और कर रहा हो तो ये किसकी लापरवाही मानी जाएगी? लापरवाही भी ऐसी जिससे जान खतरे में पड़ जाए और वो भी प्रिंसिपल के आदेश। छत पर चढ़कर टंकी साफ करते इस बच्चे को देखिए, हाथ में डंडा लिए स्कूल की टंकी साफ करते इस बच्चे की मदद के लिए स्कूल से 3 और बच्चों को रखा गया है। इन बच्चों को शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था, लेकिन कानपुर देहात के अकारू गांव के सरकारी स्कूल में देखिए इनसे क्या करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में टंकी की सफाई करते इस बच्चे को निर्देश दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं। बच्चे प्रधानाचार्य के दिशा निर्देश पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर पानी की टंकी की साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिसके बाद आनन फानन में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं। बीओ के माध्यम से इसकी जांच करवाते हैं और अगर इसमें सत्यता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो हेडमास्टर है उनके खिलाफ भी। और आगे से क्योंकि हम लोग का अब ये प्लान चल रहा है कि हम औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी लोगों के अंदर एक ये डर होगा कि समय से स्कूल आएंगे, बच्चों से काम नहीं कराना है, जितने पैरामीटर्स हैं कार्यक्रम के उनको संतृप्त करना है, तो इस तरीके की चीजें में सुधार देखने को मिलेगा। एक तरफ सरकार अपनी तरफ से शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम और दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उन तमाम दावों की पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में सरकार शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार करने का दावा कर रही है, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा। प्रदेश में सरकारी अध्यापक ही सरकार के तमाम मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं।
सिर में दर्द मत करिए। मैं कुछ कह रही वीडियो में हाथ में पंखा हिलाते हुए भाग जाने का निर्देश देती है महिला मैनपुरी के भोगांव कस्बे के प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल है। अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए लगातार विद्यालयों का चक्कर लगा रहे परिजन आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल ने उनसे और उनकी बच्ची से अभद्रता की और जाति सूचक शब्द कहते हुए छात्रा का एडमिशन करने से मना कर दिया। आप जाइए यहाँ से, मेरा सिर में दर्द मत करिए। मैं कुछ कह रही प्रिंसिपल मीना वर्मा बच्ची के अभिभावक पर इस कदर भड़क गई कि बच्ची और उसकी माँ को स्कूल से ही भगा दिया। हम गए थे एडमिशन कराने के लिए तो बोली क्या नहीं होगा इनका एडमिशन, तो हमने मैडम करा लो ऐतवार भी जोर, हमने मैडम करा लो, हम गरीब आदमी है मैडम नहीं प्राइवेट पढ़ा पाएंगे तो सरकारी बच्चों को पढ़ा लेंगे, कहा नहीं जाओ तुम्हारे कंजड़ कॉलोनी के बच्चे पढ़ाएंगे नहीं, हर बार कंजड़ कहती थी हर बार कंजड़ कहती थी, इसीलिए ने एडमिशन नहीं किया, कंजड़ बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन कराने गई महिला के साथ गए लोगों ने मामले का वीडियो अपने फोन से बना लिया और 1090 पे कॉल कर शिकायत कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है तो मैंने जो वहाँ के बीओ हैं उनको निर्देश दिया है कि इसकी प्रॉपर जांच कराएं और जैसे जांच आख्या हमारे पास आती है हम इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर वो दोषी होती हैं तो कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी और इस तरह की कोई भी घटना हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल है कि उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे पूरा किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब बात एक वायरल वीडियो की जिसने दो शिक्षकों को मुश्किल में डाल दिया। इस शिक्षक दंपत्ति को बारिश के मौसम में वीडियो शूट करना भारी पड़ सकता था। लड़की नहीं है वो जादू है और कहा क्या जाए। बारिश के मौसम में फिल्मी गाने पर मस्ती, वो जुल्फें बिखराए। मशहूर होने की चाहत में फंस गए दंपत्ति। और कहा क्या जाए। बारिश का मौसम और बिना हेलमेट बॉलीवुड गाने पर मस्ती करते ये दोनों लोग शिक्षक दंपत्ति बताए जा रहे हैं। वो जादू है और कहा क्या जाए। लेकिन अभी अंदाज इन दोनों पर भारी पड़ सकता है। दरअसल ये दोनों शिक्षक दंपत्ति मुरादाबाद के बताए जा रहे हैं। स्कूटी पर मस्ती करने का वीडियो वायरल होने के बाद इस शिक्षक दंपत्ति पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फें बिखराए। लड़की नहीं है वो जादू है। ऑन ड्यूटी वीडियो शूट के शक में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जवाब तलब कर लिया गया। मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फें बिखराए। जैसा कि प्रसन्न दृष्टि दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये उनका पारिवारिक और निजी मामला है, वीडियो बनाने पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो विद्यालय के समय में वीडियो बना रहे हैं, विद्यालय गोल करके वीडियो बना रहे हैं तो निश्चित रूप से ये गलत है और अगर इसमें दोषी सिद्ध होते हैं तो हम लोग उसे कार्रवाई करेंगे। दावा है कि ये शिक्षक दंपत्ति स्कूल टाइम में मौज मस्ती कर रहे थे जिसके बाद न सिर्फ जांच शुरू हुई बल्कि बिना हेलमेट स्कूटी को लहराते हुए चलाने वाले शिक्षक दंपत्ति से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। जादू है और कहा क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फें बिखराए। सावन में दूर दूर से शिव भक्त कावड़ लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे। 2 साल बाद हो रही कावड़ यात्रा में दिल को छू जाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। एक तरफ जहां शिव भक्तों की आव भगत में अधिकारी जुटे हैं तो वहीं बुलडोजर कावड़ सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। हर तरफ बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। कावड़ यात्रा में भोले के भक्तों का अद्भुत उमंग है। भोलेनाथ की जय जयकार के साथ कांवड़िए आगे बढ़ रहे हैं जिनके लिए यूपी के अधिकारी भी सेवा भाव से जुटे हैं। ये 3 तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं जहां कांवड़ियों के लिए अधिकारियों ने भी इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गाजियाबाद में कांवड़ियों की हलचल तेज देख खुद अधिकारी कांवड़ शिविरों का जाकर इंतजाम देख रहे हैं।
ताकि दूर दराज से आ रहे शिव भक्तों के लिए किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। बिल्कुल, इस शिविर में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग देख रहे हैं और शिविर में जो भी कर्मचारी वगैरह लगाए गए हैं उनका भी वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे जो भी पर्याप्त फोर्स लगाई जा सकती है वो हम लोग लगा रहे हैं। कावड़ियों के लिए सभी चीज़ों का ध्यान रखने की व्यवस्था कराई जा रही है कि उनकी सुरक्षा भी रहे और जो मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जैसे शौचालय की व्यवस्था हो गई, पेयजल की व्यवस्था हो गई, ये सारी व्यवस्थाएँ जो है शिविरों में इंश्योर की जा रही है। गाजियाबाद समेत सभी जिलों में शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बिजनौर में भी जिले के डीएम और एसपी मोट महादेव मंदिर में ठहरे शिव भक्तों के बीच पहुंचे, व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। अफसरों को बीच देख कांवड़ियों ने साथ में फोटो भी खिंचवाई। महामारी के बाद 2 साल बाद हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों के हौसले बुलंद हैं, जिसका अंदाजा आप सहारनपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि कैसे बिगड़ते मौसम के बावजूद आगे ये बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सहारनपुर पुलिस पूरी तरह कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में जुटी है। शिव भक्तों के लिए कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया जा चुका है। जितने भी हमारे कांवड़ियाँ हैं, शिव भक्त हैं, सबको सुरक्षा मुहैया करा रही है। सुरक्षित क्षेत्र से पास हो, पूरे जो हमारा क्षेत्र है उससे पास हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जिस तरह से कांवड़ियों के हौसले बुलंद हैं, कुछ वैसे ही बुलंद है मेरठ के बुलडोजर कांवड़, जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ये जो कांवड़ है, बुलडोजर कांवड़, ये श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। पूरे मेरठ में इस बुलडोजर कांवड़ की चर्चा है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से यहाँ के युवा हैं वो इसको बनाने में लगे हुए थे और अब ये यहाँ तैयार हो गई। और दूसरी ये भी बात है कि ये बुलडोजर वाली जो कांवड़ है वो हिंदू मुस्लिम एकता की भी एक बड़ी मिसाल बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसने सभी के होश उड़ा दिए। क्योंकि जो शख्स लव जिहाद को अंजाम दे रहा था, उसके माँ बाप इस क्राइम में आरोपी का साथ दे रहे थे। पुलिस गिरफ्त में दिख रहे शख्स के कारनामे आपके होश उड़ा देंगे। इसकी साजिश सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये वो चेहरा है जो लव जिहाद को दे रहा था अंजाम। सोनभद्र पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स का नाम जीशान है, जो एक नाबालिग को प्यार के नाटक में फंसाकर शादी रचने के फिराक में था, लेकिन इसके मोबाइल ने गंदी साजिश और करतूतों का राज खोल दिया। जीशान नाम का यह शख्स हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था, जिसके मोबाइल से 13 हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिलने पर सबके होश उड़ गए, जो कहीं न कहीं बड़ी साजिश का इशारा करता है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये इस माध्यम से इस समाज के लोग जो है लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर प्रेम प्रपंच में फंसाकर बेचने का भी काम करते हैं। और इनको तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिनके द्वारा फंडिंग होती है, ऐसा प्रतीत होता है। पुलिस ने अपहरण समेत कई मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन जांच में आरोपी को माँ बाप का सहयोग मिलने की बात भी सामने आई। इससे संबंधित अभियुक्त जीशान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है और अपहर्ता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।